हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडूजोस। एडूजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये स्क्वायर रूट्स की ट्रिक बताने वाले हैं, इसमें वर्गमूल जिसको बोलते हैं। और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं edujos.com, इस पर लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आपको मिलते रहेगी, वैकेंसीज, रिजल्ट एंड जो भी कुछ है उस पर अपडेट्स आता है, डेली जीके भी आता है उस पर। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट्स। इससे पिछले वाली वीडियो अगर आपने क्यूब रूट्स नहीं देखा, हमने पहले क्यूब रूट्स प्रोवाइड करा दिया था, तो अगर आपने क्यूब रूट्स देखना है तो आप इस यहाँ पर एक आपको आइकन मिलेगा ऊपर साइड पे, आई सिंबल होगा उस पर आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्यूब रूट्स की वीडियो, और इसमें हम आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में बताएंगे। देखिए सबसे पहले ये भी यूनिट डिजिट पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो पूरा स्क्वायर रूट्स निकाला जाता है ये यूनिट डिजिट पे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप 2 से 3 सेकेंड में। तो देखिए ये एक का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग को पता है कि एक का स्क्वायर जो होता है वो एक का स्क्वायर एक ही होता है। इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 16 होता है लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, 6। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट डिजिट क्या होता है, 5। यानी ऑलवेज अगर आखिरी में 5 होगा किसी के तो उसका 5 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर 36 है तो 6 स्क्वायर, 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64, यूनिट डिजिट 4, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, यूनिट डिजिट 1। अब देखिए ध्यान से देखिए यूनिट डिजिट 1 कहाँ कहाँ आता है। यूनिट डिजिट 1 आता है यहाँ, और यूनिट डिजिट 1 जो आता है वो इसमें आता है, 2 में आता है, और 4 कहाँ कहाँ आता है, 4 आता है 2 के में, और इसमें आता है 8 में। ठीक है, उसी तरह से 9 कहाँ कहाँ आता है, 9 आता है 3 में और 7 में। ठीक है, 6 लास्ट में यूनिट डिजिट किसके किसके स्क्वायर में आता है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में, और ये अकेला बच जाता है जो सिर्फ 5 के स्क्वायर में, यूनिट डिजिट 5 ही होता है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को करते हैं, इसमें क्या है, 36 है, इसका पेयर करते हैं ऐसे हम 2 का, 36 है, 36 में आखिरी में क्या है, 6। 6 में हमने किसको किसको बताया कि आखिर में अगर 6 होगा तो क्या हो सकता है, एक 4 और दूसरा क्या, 6। तो आप यहाँ पे एक बार 4 लिखिए और एक लिख लीजिए 6। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कीजिए, 88 है, 88 किसके स्क्वायर से, मतलब 88 से पहली है कि ऐसी संख्या जो किसी का स्क्वायर हो। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो 9 × 81, ठीक है, ये ठीक 9 का स्क्वायर जो होता है वो 88 से ठीक पहले होता है। तो अब अगर आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिख दीजिए, आपके पास अब दो नंबर आ गए, 1 94 1 96, लेकिन आंसर कौन सा होगा ये कैसे पता लगेगा, आंसर 2 तो होगा नहीं, कोई 1 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस 9 के से बड़ी संख्या को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मन में ही कर लीजिए, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, 9 से 10 को करते हैं कितना होता है, 90। उस 90 जो 90 आया वो इस 88 से क्या है, बड़ा है, यानी 90 से ही 88 छोटा है। तो अंदर वाले हमेशा देखना है कि जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे अंदर वाली संख्या छोटी है या बड़ी है, अगर छोटी है तो इसमें से जो छोटा है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अब नेक्स्ट वाले सवाल को समझ लीजिए, क्योंकि 09 है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से 3 लिखेंगे, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, यूनिट डिजिट 9 है। अब यहाँ 94 बचा, ठीक है, ये तो 9 हो गया, 3 का स्क्वायर, और एक और होता है ना 9, तो वो होता है 7, 7 भी लिख दिया। अब 94 किसके स्क्वायर से ठीक बड़ा है, ध्यान से देखिए 9 के स्क्वायर से ठीक बड़ा है, अगर इससे पहले की कोई संख्या होगी तो वो 81 होगी जो पूर्ण वर्ग में होगी, यानी उसका रूट आप निकाल सकते हैं। तो फिर वही हुआ, 9 आप लिखेंगे, यहाँ भी 9 लिखेंगे। अब ध्यान देना इसमें फिर 10 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 90। ठीक है, मन में कर लिया 90, अब 90 यहाँ पे, 90 से ये क्या है, बड़ी है, 90 से ये बड़ा है, तो 94 90 से बड़ा है, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या जो होगी वो आंसर होगी। तो इसका ये आंसर हुआ, इसका ये आंसर हुआ। अब इस वाले में देखते हैं, इसमें लास्ट में 6 है, 6 किसके किसके में आता है, 6 के स्क्वायर में 36 है, यानी यूनिट डिजिट इसमें भी 6 है और 4 है, तो 4 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और एक क्या लिखेंगे, 6, 4 और 6 लिख दिया। अब 73 है, 73 किसके स्क्वायर के पास में आता है, ध्यान से देखिए 8 के, 8 × 64, ठीक है, 86। अब 8 तो आंसर, ये दो आंसर तो होगा नहीं, कोई एक आंसर होगा। तो अब 8 के ऊपर ठीक बड़ी संख्या कौन सी है, 9, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कितना आता है, 72 से ठीक ये बड़ी है।
तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें 86 हमारा आंसर है। ठीक है, अब आपको ये सवाल हमने इसलिए दिया है, ये आपको सॉल्व करना है और यूट्यूब पे हमारे आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, तभी हम समझेंगे आपने ये सही सवाल किया है, आपको ट्रिक समझ आ गई है। थैंक यू।